तो आज के समय में अगर आप लोग को किसी भी काम में कामयाब होना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वो काम कैसा भी हो, लेकिन उस काम को शुरू करने से पहले अगर आपने कुछ ऐसी बातों का ध्यान रख लिया जो कि सभी बड़े लोग रखते हैं, तो आपका जो काम है उसमें आप जरूर सफल होगे और आपका काम भी आपको पैसा बना कर देगा। देखिए, आजकल हर एक काम जो पैसा बना कर दे रहा है वो इंसान या तो कर नहीं पा रहा है, या जो इंसान काम वो कर रहा है उसको सारी चीजें पता है तो वो उससे पैसे बना रहा है। लेकिन ये आज का जो मोबाइल है ना, मोबाइल से आप लोग बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, और अपने अगर आपके पास जो है कोई काम का जानकारी नहीं है तो भी आप इस मोबाइल से आप सीख सकते हो, आप मोबाइल से अपनी ज़िंदगी बना सकते हो और मोबाइल से ही अपनी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपके पूरी दुनिया भर की जानकारियाँ हैं। अगर उस जानकारियों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है, और अगर उस जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़िंदगी जो है आपकी बदल सकती है, बिगड़ सकती है, जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर जो है जो आपको बताने वाला हूँ वीडियो, जिसलिए मैं बना रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास 6 नियम होना चाहिए। अगर उस 6 नियम कानून को समझ के अगर आप दोस्तों काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, ऑनलाइन काम हो सकता है, ऑफलाइन काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, नौकरी हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, करियर हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है कि आप उस काम को शुरू करने से पहले पहला जो बात है जो आपको ध्यान देना वो ये है कि आपको वो देखना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, आपको वो काम क्यों करना है। कोई भी काम हो सकता है, जो भी आप कर रहे हैं, आपको यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, नौकरी करना है, आप पढ़ाई करेंगे, जो भी काम करना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कोई भी काम, काम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको क्यों करना है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट अगर आपका क्लियर है तो वो आपको आपके जो काम है उसकी कामयाबी तक लेके जाता है। दूसरा, विजन होना जरूरी है। अब बोलेंगे कि विजन तो बहुत बड़े बड़े लोग, नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं विजन का कि भाई 400 प्लस आजकल चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो उसमें 400 प्लस इस बार 400 के पार, विजन क्या होता है कुछ समझ नहीं आता आम आदमी के बीच, तो ये विजन समझ नहीं आता, लेकिन वही जो बड़ा बंदा है वो विजन को लेकर चलता है। कोई भी, चाहे पॉलिटिशियन हो, किसी कंपनी का सीईओ हो, कोई कंपनी का मालिक हो, एक्स वाई जेड कंपनी का मालिक हो, वो एक विजन लेके चलता है। विजन क्या होता है, एक बहुत बड़ा सपना, उस सपने को काम करने के, मतलब 10 साल 20 साल का वो पूरा पूरा विजन लेके चलता है। उतने समय का चीज आज ही सोच लेगा तब जाकर वो अमीर बन जाता है और पैसे भी आने लगते हैं, उसका विजन होता है। तो विजन क्यों जरूरी है वह भी मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं और उससे तुरंत जो है पैसे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी काम शुरू कर रहे हैं और उसमें जो है 6 महीने या फिर साल भर में ही उससे पैसे कमाने का सोच रहे हैं, उससे पैसे निकाल लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं पता है, आप अभी जो पौधा उग रहा है, अभी उसमें से अंकुरित हुआ और उसमें से थोड़े बहुत पत्ते आए, आप तुरंत जो है उसके पत्ते की सब्जी बनाकर खाना स्टार्ट कर दिए, तो वो पौधा बड़ा कैसे होगा, वो पौधा पेड़ कैसे बनेगा, और पेड़ नहीं बनेगा तो आप सिर्फ पत्ती खाकर भी 2-4 दिन जीवित रह सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े फल खाने हैं, पके पके फल खाने हैं, तो उस पौधे को पेड़ बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर इसी, ये जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं कंपनी के, पॉलिटिशियन होते हैं जो एक विजन लेके चलते हैं, ऐसे लोग 15 साल 10 साल 20 साल का लक्ष्य लेके चलते हैं, और इसलिए वो ये चीज को जानते हैं कि हम बीज लगाएंगे उसका जो रिजल्ट है, जो उसका लाभ है, वो हमें आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मिलने वाला है, तो वो कामयाब होंगे ही होंगे, क्योंकि उसमें लॉस होने की कोई गारंटी नहीं है। तीसरा है, आपका जो काम है लोगों को पसंद आना चाहिए। देखिए, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो काम को कामयाब बनाने के बारे में बता रहा हूं, आप सिर्फ काम को स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस जो भी आप काम शुरू कर रहे हो उसको कामयाब कैसे बना सकते हो। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, आपको पसंद आ रहा है, आपको तो बहुत मजा आ रहा है उस काम को करने में, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आपका काम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भी पसंद नहीं आए। अब अकेले या पूरी दुनिया से परे अगर कुछ कर रहे हो जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं है, तो आप उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करोगे। कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए लोगों के लिए, लोगों की प्रॉब्लम, आपने देखा कि इस गांव में जो है 50 लोगों की कुछ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बना के दोगे तो पैसे आ जाएंगे।
तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर अगर आप काम किसी प्रॉब्लम को लेकर अगर कोई काम शुरू करते हो, उसका सोल्यूशन आपके पास है, तो पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी और आप रहते रहते रातों रात पॉपुलर हो जाओगे, वायरल हो जाओगे। तो ये सारी चीज जो है करनी चाहिए। जैसे देखते हो ना कि कोई भी कंपनी होती है, वो कोई अपना सोल्यूशन लाती है और उस सोल्यूशन से अगर लोगों का भला होता है तो तुरंत जो है वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में छा जाता है। पूरा जो उसका मतलब जो भी उसका सर्विस है, सेवा है या फिर प्रोडक्ट सामान है, वस्तु है, अगर लोगों की सुविधा वाला है, लोगों को कंफर्ट बना रहा है, तो तुरंत वो मार्केट में छा जाएगा। ये जियो जो ऐप है, चाहे कंपनी है या फिर जियो का सिम कार्ड आप लगा रखे हुए हो, ये भी मुकेश अंबानी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जो कि पूरे भारत के लोगों फ्री में डेटा इस्तेमाल करने की लत लगा दी। अब क्या है, अब जो है आप पैसे 10 के 12 भी दो, 100 के 200 भी दो, 300 के 400 भी दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको आदत हो गई है अब बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की। ठीक है, अगर आप डाटा कंज्यूम कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर उस डाटा को कंज्यूम करने के बाद अगर उस डाटा से जो डाटा कंज्यूमेशन कर रहे हो उसे कुछ सीख रहे हो, कुछ पैसे कमा रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो जो मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो लेकिन उससे कुछ आप जो है अर्निंग नहीं कर रहे हो, उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, लर्निंग नहीं ले रहे हो, तो वो आपके लिए नुकसान है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आना चाहिए। चौथा जो है वो है अकेले पसंद जो है उससे आप पैसे नहीं बना सकते, ये चीज मैंने क्लियर कर दी, क्योंकि अकेले कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाला सोल्यूशन है जो सिर्फ आपके पूरी दुनिया में पूरे देश में सिर्फ आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर रहा है, उससे आप पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर रहा है तो लोग पैसे आपको नहीं देंगे। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पांचवा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा वहां होता है जहां भीड़ होती है। भीड़ कहां होती है बताइए आप? पैसा वहां होता है जहां पर भीड़ होती है। पैसा जो पूरी दुनिया का जो पैसा है 95%, वो किसी 5% लोगों के पास क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा वहां होता है जहां पर भीड़ होती है। देखिए, पहले यहां पर अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है, पूरी दुनिया से जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है? क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। जहां भीड़ होगी वहां कंजम्पशन होगा। कंजप्शन क्या, कोई भी सामान का, कोई भी सेवा का कंज्यूम लोग करेंगे तो वहां उसके लिए पे करेंगे, पैसा देंगे। जैसे कि अभी जो है जियो, भारत का सबसे ज्यादा टेलीकॉम का जो इंडस्ट्री है उसमें जियो जो ऐप है या फिर जियो का जितना प्लेटफॉर्म है, सिम कार्ड है, डाटा है, वाईफाई है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी और भी प्रोडक्ट, जियो बुक है, जियो का फोन आ गया, तो ऐसे ये सारी चीजें क्यों बनाई जा रही है? लोगों के लिए बनाई जा रही है। क्यों? बाहर के देशों में अभी ये कुछ नहीं चलेगा, इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है। क्यों? यहां पर डाटा कंजप्शन, इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मोबाइल यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो मुकेश अंबानी इस पर बहुत पहले से काम कर रहे थे कि भाई एक ही बार हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे और पूरे भारत में इसको सबको बांट देंगे, उसके बाद हम जो है पैसा कमाएंगे। तो वही तो हुआ, जियो जब आया तो सभी जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर थे सबकी छुट्टी हो गई, इक्का दुक्का बचे हुए हैं जिसमें एयरटेल है, वोडाफोन थोड़ा बहुत है, एयरटेल है थोड़ा टक्कर में है जियो के, बाकी देखा दूसरे नंबर पे मतलब मान सकते, बाकी जो एयरसेल था, टेलीनार, कितने मतलब ऐसे थे उनका तो पता भी नहीं है, बहुत सारे थे पता भी नहीं है लोगों को, अभी तो उनका नाम ही नहीं सुनते कोई, बस जियो 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 और उससे थोड़ा बचे तो एयरटेल, कहीं गिने चुने में वोडाफोन वीआई का आपने सुन लिया होगा या सुनते होंगे। तो पैसा वहां होता है जहां पर भीड़ होती है। भीड़ कहां होती है? जहां पर लोग होते हैं वही तो भीड़ होती है। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो भीड़ है उसके लिए आप, ये जो भीड़ है उन लोगों में क्या कमी है वहां पर, मतलब उनको क्या असुविधा हो रही है, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपने उनको देख लिया कि वहां पर कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम का कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन जो आपके पास है और नहीं भी है तो आपने उसको बना दिया, डेवलप कर दिया, या फिर आपके पास कोई एक युक्ति है, कोई तकनीक है जिससे आप उन सभी लोगों को, उस भीड़ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, आप बहुत जल्दी अमीर इंसान बन सकते हो, बहुत जल्दी। यही बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, वो उनके पास तो दो चार विजनरी लोग रहते हैं, वो सोचते हैं कि इस देश में क्या कमी है, इस देश में क्या कमी है, यहाँ के देश के लोगों को क्या चाहिए, वो बस ये देखते हैं।
और उस तरह का वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद से वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, वो उससे जो है लोग जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर सेवा इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं, वो पैसा जो है कंपनियों के पास आता है। तो ऐसे जो है काम होता है, ये बहुत अंदर की बात है, कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। हर पैसा जो लोग कमाना चाहते हैं, जो भी बंदा पैसा कमाना चाहता है, उसको इस चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, काम शुरू करने से पहले ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ, काम शुरू करना है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानना, ताकि आपका काम फेल ना हो। ये बहुत ही कंफ्यूजन होती है छोटे लोगों में, जैसे कि मतलब छोटे लोग क्या, हम लोग मान लीजिए कि जैसे 12वीं पास कर दिए, 10वीं पास कर दिए, गरीब लोग हैं, 10वीं पास करके जो है कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, 12वीं के पास लोग करना चाहते हैं डिग्री के बाद, क्योंकि सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती, काम तो करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए यहाँ पर छठा पॉइंट जो है वो ये है, पैसा कहाँ जाता है, जहाँ भीड़ को लगाने वाला होता है। देखिए ये भी बहुत ही, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। पैसा कहाँ जाता है, जिस इंसान के पास भीड़ लगाने की क्षमता है वहां पर पैसा जाता है। अब मैं इसके लिए भी एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही सरल और आसान एग्जाम्पल देने वाला हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये फोन है, देखिए मोबाइल है, ये मोबाइल फोन है, आप देख सकते हैं ये मोबाइल फोन है, ये मेरे पास है, इसको मैंने खरीदा था 16,000 का खरीदा था, ये फोन रेडमी का है, ठीक है। अब ये रेडमी का जो फोन है, ये फोन एंड्रॉयड पर है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर, इसके लिए कोई भीड़ वीड़ लगाने की जरूरत नहीं होती, ये 16,000 मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड हैंड में बेचेंगे अगर, सेकंड हैंड में, तो ये अभी जो है 8,000 समथिंग या फिर 7,000 में मतलब ये बिक जाएगा। ये कोई आपने कहीं सुना है दुनिया का ऐसा भी कोई फोन है जिसके लिए भीड़ लगती है, कहीं सुना है? आप में से बहुत सारे लोग सुने, जो बहुत मतलब बहुत सारे लोग आप में से सुने जरूर होंगे, भाई एप्पल की बात कर रहे हो आप, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, एप्पल की बात कर रहा हूँ। एप्पल कंपनी का जो सीईओ है या फिर मालिक है, जो कोई भी है, उसके अंदर उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए वो भीड़ लगाता है, और इसीलिए लोग अभी तक जो है उसको इस फोन की तुलना में किसी एप्पल फोन को, किसी आईफोन को लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, ठीक है। तो आखिर क्यों, उस फोन में क्या बात है, उस एप्पल कंपनी में क्या बात है, उस आईफोन में क्या बात है, उस आईपॉड में क्या बात है, मैकबुक में क्या बात है, जिसके लिए लोग भीड़ लगाते हैं। आपने सुना होगा ना कि उसके लिए भीड़ लगती है, भाई दुकान पर कोई फोन लॉन्च हुआ, बिक जाता है, फिर उसका घट जाता है, बताइए। वहीं पर आप अगर एंड्रॉयड की बात करिए जी, तो बहुत सारा ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है जो एंड्रॉयड पर फोन बनाते हैं, लेकिन एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाता है, आईफोन, मैकिंटोस कंप्यूटर जो बनाता है, मैकबुक बनाता है, आईफोन है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ओएस जो भी आप कह सकते हैं, उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट बनाता है और लॉन्च करता है एक लिमिटेड। एप्पल चाहता, देखिए एप्पल अपना का जो फोन है वो खुद ही नहीं बनाता, लेकिन एप्पल चाहता तो पूरी दुनिया में जो जितनी भी कंपनी है, जैसे कि ये अब एंड्रॉयड फोन है, तो ये एंड्रॉयड फोन कौन बनाता है, सभी कंपनियां बनाती हैं, कोई खास कंपनी बनाती है, कोई कोई चिप बनाता होगा, कोई जो है डिस्प्ले बनाता होगा, कोई प्रोसेसर बनाता होगा, कोई रैम बनाता होगा, कोई रोम बनाता होगा, कोई डिस्प्ले बनाता होगा, कोई मार्केटिंग करता होगा, ऐसा ही होता है सब जगह। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो एप्पल है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो चाहता है एप्पल, तो कोई भी जब नया आईफोन लेकर आ रहा है, iPhone 15, iPhone 14 जो भी है, तो उसमें वो ज्यादा मात्रा में बना सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो क्यूरियोसिटी रखना चाहता है, सस्पेंस रखना चाहता है, वो एक लिमिटेड ऑडियंस को ही वो देना चाहता है फोन, ताकि उस लिमिटेड ऑडियंस को ही मिले, और उसके बाद से वो क्या करते हैं, फिर से एक सस्पेंस हो जाता है, भाई आईफोन बिक गया, फिर से अगली बार जो है जब वो लॉन्च करेगा तो लोगों के अंदर सस्पेंस होता है, भाई इस बार क्या होगा एप्पल में। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, पैसा वहां जाता है जहां भीड़ को लगाने वाला होता है। तो एप्पल कंपनी का जो फोन है, आईफोन है, आईपॉड है, मैकबुक है, वो बहुत महंगा होता है एंड्रॉयड फोन के, ठीक है। अभी तो एप्पल को भी टक्कर देने वाले बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, जो कि मतलब एक फ्लैगशिप फोन बना रही, महंगे महंगे फोन बना रही है,
क्या कर रही है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो है व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो भी है, उसमें आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जो मैंने 6 बातें बताई वो क्लियर हो कि अगर आप उस काम को करेंगे तो आपके उस काम में असफल होने के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लेकिन अगर आपने इन सभी मुद्दों को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना वाई के, बिना क्यों के, बिना लोगों के हित में सोचे बिना अगर आपने उस काम को शुरू किया तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। हो सकता है कि वो काम असफल हो जाएगा, आप उसमें असफल हो जाएंगे, आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो ये सब गारंटी है जो कि बड़ी कंपनियों, क्योंकि विजन बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि उनका जो काम है वो असफल हो जाए, वो नाकामयाब हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। वो इसलिए वे लोग पूरा इस तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। अगर आप लोग को शेयर मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप लोग नए हैं या फिर अभी शुरू कर दिया है लेकिन जानकारी नहीं है, ये वाला वीडियो देख लेना, यहाँ पे नीचे भी सजेशन में आ जाएगा शेयर मार्केट का सच, उस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है और आगे भी मैं आप लोग को उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, वे लोग जरूर देखें जो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप जानकारी के बिना कोई भी काम करेंगे तो आप रिस्क, बहुत रिस्क पे हो, आप वहां से गिरोगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आपको किसी भी काम को, जो भी काम करना है, उसमें प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है, तब आपको उस काम में कामयाब होने का पूरा कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से आता है। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिली है, इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही मजेदार, इंटरटेनिंग और काम वाली वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं राम के प्रजाति। इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इस तरह के वीडियो, टेक्निकल जानकारी, अपडेट, न्यूज और यहां पर बहुत कुछ जो है काम की बातों वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।